बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिन मौसम उससे ज्यादा बुरा हो जाता है, पता है? सारे माशाल्लाह से एक्टिव है सिवाय एक के, देखें। अब इसके ऊपर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं की जा रही कि यार नीचे पता नहीं किधर किधर से इन्होंने सुरंगे निकाली है यहाँ से। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? चना इन्होंने खा लिया मेरे सांस लेने तक की खा लिया। बाकी के तीन के नीचे अंडे हैं, ये देखे इन्हें अंडे में से कब से कब कामयाबी होगी। वेलकम टू आवर पेट सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैर खैरियत से, और माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर भी खैर खैरियत से हैं। एक दिन मौसम अच्छा होता है और अगले दिन मौसम उससे ज़्यादा बुरा हो जाता है, पता नहीं कब ये गर्मी से जान छूटनी है। एक महीना रह गया बस, उसके बाद उम्मीद है कि अगला ये सितंबर का मंथ चल रहा है और अक्टूबर के मंथ में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी, और शुक्र है कि सर्दियां वापस आ रही है। आप सब कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन कौन सा मौसम पसंद है। मुझे तो भाई गर्मियां बिल्कुल नहीं पसंद, सर्दियां पसंद हैं, क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल बस हो जाती है और कोई भी हिम्मत नहीं रहती काम करने की। सर्दियों के अंदर आपको पसीना नहीं आता और ये बदबू वाला मसला नहीं होता, और इस वजह से आप काम कर लेते हो, ज़्यादा काम कर लेते हो। गर्मियों में आपका जो बुरा हाल है ना, वो ये हबस और घुटन कर देता। हवा चलती रहे तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब बिल्कुल हवा बंद हो जाती है ना, इससे मसला बड़ा ख़राब होता है। तो अभी सांस लेने के लिए मैं बैठा था अंदर, सारा कुछ दाना शाना डाल के। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको अंदर की अपडेट देते हैं। तो हाँ, फिर चले अंदर, वीडियो को कम्प्लीट करते हैं अंदर जाके आ जाए। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही, और ऊपर बैठा नहीं जा रहा। पानी सारा गिरा दिया था, तो मैंने दोबारा पानी ये भरा। ये एक चूज़ा हमारा जो है ना, वो बीमार हो गया हुआ है, बाकी हमारे माशाल्लाह से ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बाकी सारे माशाल्लाह से एक्टिव है सिवाय एक के। चल फिर रहा है वो, लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नहीं है जिस तरह से बाकी हमारे माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं। और इनको ये मट्टी वाली जगह दी हुई है और यहाँ पे ये बड़े कंफर्टेबल हैं। और इनकी अभी तक तो मैं डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट ले रहा हूँ कि ये यहाँ से बाहर ना निकल सके। और वहाँ पे खरगोशों ने, मैं आपको दिखाता हूँ जाके क्या हाल किया खुदाई कर करके। ये तो ऐसे जैसे वो पठान नहीं, पाइप डालने के लिए वो करते हैं, वो देखें। अब इसके ऊपर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं की जा रही कि यार नीचे पता नहीं किधर किधर से इन्होंने सुरंगें निकाली हैं। यहाँ से निकाली है, वहाँ से, वो देखें सारा क्या हाल। ये मट्टी खा जाते हैं या क्या करते हैं? जो मट्टी अंदर से निकालते हैं वो भी बाहर नहीं मट्टी है, पता नहीं समझ से बाहर है कि क्या इन्होंने किया है। और ये सारी फौज इधर बैठी हुई है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? बच्चे आप लोगों के ठीक हैं? ये ऊपर फुल कवर करके बैठे हुए हैं बच्चों को, तो मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि डिस्टर्ब करना भी गलत होता। जब ये उठे होंगे तो फिर इनका देखूंगा बच्चों को नीचे क्या सूरत हाल है बच्चों की। दाना शाना इन्होंने खा लिया मेरे सांस लेने तक की। जिनके पेट भर गए हैं वो देखे किस तरह से लेट गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं जाके। हाँ जी, खा लिया है, खा लिया क्या? फुल रज के थक गए हैं, और जो नहीं रजे वो अभी भी खा रहे हैं। वो देखें कुछ उधर जाके लेटे हुए हैं। और ये नहीं मुझे समझ में आता कि नीचे से इधर से आके क्यों खाना है, जब वहाँ पे इतना ज़्यादा घास डाला हुआ है। तो इन बेचारों को, दो को जो डाला वो यहाँ से आए खाना है। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जितने हमारे बाहर रैबिट हैं ये सारे वाइट से मैले कुचैले हो गए हैं, और ये जो अंदर हैं केज के अंदर ये नीट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नीट है। ये देखिए, देखिए कितने नीट
साफ हैं और ये देखें कितने गंदे हैं। वो ये बाहर फिरते रहते हैं और ये अंदर होते हैं दोनों। कितना फर्क है, क्योंकि ये अंदर जाली है, पेशाब भी इनका नीचे नीचे गिर जाता है और मींगने वगैरह भी जो करते हैं वो भी नीचे चली जाती हैं, तो ये गंदे नहीं होते। और ये जबकि बाहर वाले जो उनसे ये सारे ये ज़मीन पे इधर फिरते हैं, इधर ही पेशाब करते हैं, इधर ही सारा कुछ करते हैं, इसलिए ये सारे गंदे हुए हुए हैं। हालांकि उधर मट्टी है लेकिन मट्टी पे तो नहीं जाते ये, यहाँ तो सारे हिस्से पे मट्टी हो तो फिर भी है। ये जो जोड़ा हमारा फुल ड्यूटी कर रहा है, अल्लाह करे इसे कामयाबी मिल जाए। आपने दोबारा अंडे नहीं दिए अभी तक, क्या बात है, बातें सुनते हैं मेरी, ये समझते भी हैं आप, तो अब अच्छा खासा फ्लाई करने लग गए। हम लिफ्ट नहीं कराता हूँ, सारे पानी पीने के लिए आ गए इधर। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका, आप ठीक हो? अभी दाना नहीं खिलाया मामा ने आके, हैं मामा ने अभी दाना नहीं खिलाया? मामा अभी इसकी खुद खाना खाने गई हुई है, अभी तक लक्के ने अंडे नहीं दिए। और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अंडे शंडे दिए हैं आपने? नहीं, ये भी नलायक ही हमारा जोड़ा, ये देखें हाँ, दाना शाना खा के वापस अपनी अपनी ड्यूटियों पे आके बैठ गए हैं। इस वक्त हमारे 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े ऐसे हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, जिनके नीचे अंडे हैं, 2 के नीचे तो बच्चे हैं और बाकी इन 3 के नीचे अभी अंडे ही हैं, बाकी के 3 के नीचे अंडे हैं। ये देखें इन्हें अंडे में से कब कामयाबी होगी, तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद तो दुनिया कायम है। और इन तीनों के नीचे जो ये अभी बैठे हुए हैं, इन तीनों के नीचे तितर के अंडे हैं, इनके अपने अंडे नहीं हैं, तितर के अंडे हैं। और ये हमारी वो कबूतरी है जिसने टर्की का चूज़ा निकाला था, पहले इसने मुर्गी का चूज़ा निकाला था अंडे में से, फिर इसके नीचे टर्की का अंडा रखा तो उसमें से चूज़ा निकला माशाल्लाह, और अब इसके नीचे मैंने तितर का अंडा रखा हुआ, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला उसमें भी ये कामयाब होगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक देते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह पाक हम सब के जानो माल में बरकत डाले। मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दे अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।